Hello my dear students, this is Saloni Jain. Welcome to my YouTube channel Learn Programming with Saloni. In this video, we are going to discuss about conditional statements. So let's start. So first of all, we must know about the statements. Statements are the instructions given to the computer to perform any kind of information. यानी आप कोई भी action perform करते हो तो it will execute. Like अगर आपको input करवाना है कुछ भी यूजर से एट द रन टाइम तो आप क्या यूज करोगे इनपुट फंक्शन तो दैट इज अ इनपुट स्टेटमेंट ओके आपको कोई दो नंबर थ्री नंबर्स या कुछ कितने भी नेम्स आपको इनपुट करवाने हैं यूजर से तो आप क्या यूज करोगे इनपुट स्टेटमेंट सिमिलरली अगर आपको उसका आउटपुट भी चाहिए रिजल्ट चाहिए तो आप क्या यूज करोगे प्रिंट फंक्शन तो दैट इज ऑल्सो अ प्रिंट स्टेटमेंट तो ये आपकी एग्जीक्यूट होती है ठीक है तो स्टेटमेंट मीन व्हेन जो आप एक वर्ड के बाद एक स्टेटमेंट आप लिखते हो तो अगर उसमें से कुछ एग्जीक्यूट करवाना है तो वी यूज नीड अ स्टेटमेंट जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो वी ऑलवेज राइट स्टेटमेंट्स ठीक है सो नेक्स्ट वन इज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट एम्प्टी स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट डज नथिंग मतलब इसका कोई भी काम नहीं है कुछ भी काम नहीं करता है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कीवर्ड पास इसके लिए एक पास कीवर्ड है तो यू माइट बी थिंकिंग दैट इफ देयर इज नो वर्क ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हाई डू वी यूज दिस स्टेटमेंट इट इज यूजफुल इन दोज केसेस वेयर द सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड वेयर द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम डज नॉट इट मीन्स व्हेन इफ यू आर मेकिंग एनी प्रोग्राम एंड द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड यानी कि आपको कुछ एग्जीक्यूट नहीं करवाना है आपने कंडीशन तो चेक करवाई लेकिन आपको उधर एग्जीक्यूट कुछ नहीं करवाना है तो आप सिंपली क्या लिख दोगे पास लिख दोगे ठीक है तो ये उस टाइम पे यूज होगी जब आप लूपिंग के प्रोग्राम करेंगे तो मैं आपको शो करूंगी कि हमने कोई स्टेटमेंट को अगर मेरी कोई ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट है उसको मुझे जस्ट पास करना है मतलब मुझे इसको कुछ एग्जीक्यूट नहीं करवाना तो मैं वहाँ पर क्या लिख दूंगी सिंपल पास स्टेटमेंट लिख दूंगी ठीक है तो वो बाईपास हो जाएगा एक तरह से ठीक है नेक्स्ट वन इज सिंपल स्टेटमेंट तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है जैसे भी कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जैसे कि मैंने एग्जांपल में भी शो किया है कि आप इनपुट लेते हो यूजर से और उसको भी प्रिंट भी करवाते हो तो दीज आर दी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जब आप सिंपल लिखते हो 10+10 तो आप एंटर प्रेस करते हो तो शेल पे वो क्या होता है उसका आउटपुट आ जाता है तो सिमिलरली अगर आप प्रोग्राम में एक सिंगल स्टेटमेंट लिखते हो या मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हो ना इन ऑन ऑर्डर ये सिंगल स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होगी एट ए वन टाइम अगर इसमें कोई एरर होगी तो पहले आपकी एरर रिमूव करने को बोलेगा देन आप आगे मूव कर सकते हो तो दिस इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट नेक्स्ट वन इज कंपाउंड स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एज ए यूनिट मतलब इसका क्या है कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करती है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मतलब यानी कि अगर आपको किसी सिलेक्शन बेस पे कंपाउंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो उसका क्या सिंटेक्स रहता है कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर यहाँ पर कोई भी कंडीशन आ सकती है इफ व्हाइल डेफ फंक्शन हम कुछ भी यूज करेंगे उसके आगे क्या यूज करना है आपको कॉलन साइन इट इज अ सिंटेक्स ठीक है उसके बाद आपको अगर कोई भी ब्लॉक करवाना है इंटेंडेड बॉडी यानी कि उसके नीचे यानी कि आप देखो यहाँ पर मेरी इफ कंडीशन आई तो उसके पैरेलल नहीं आपको डालना है उसके अंदर डालना है ठीक है यू हैव टू गिव सम स्पेस क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रीवियस वीडियो में आई हैव टोल्ड यू कि हाउ टू इनपुट योर हाउ टू मेक ए प्रोग्रामिंग बिकॉज देर इज अ सिंटेक्स फॉर इंडेंटेशन ऑल्सो तो आपको इंडेंट का ध्यान भी रखना है तो इसका मतलब कि आप किसी ब्लॉक में एंटर करने जा रहे हो तो अगर आपको पूरा एक ब्लॉक प्रिंट करवाना है एज अ यूनिट पूरा एग्जीक्यूट करवाना है तो आप उसके अंदर जाओगे तब जब आप उसके अंदर जाओगे तो उससे पहले क्या आएगा आपका कॉलन का आना जरूरी है एंड देन उसके बाद आपको कुछ स्पेस देना होगा आप पैरेलल नहीं जा सकते पैरेलल का मतलब है कि आप आउटसाइड द स्टेटमेंट हो ठीक है तो आप इनसाइड चले गए तो उसके अंदर आपने इंडेंटेड बॉडी कंटेन सिंगल और कंपाउंड स्टेटमेंट आप कितनी भी स्टेटमेंट को एज अ ब्लॉक उसको पूरा प्रिंट करवा सकते हो एग्जीक्यूट करवा सकते हो इट विल एग्जीक्यूट इवन ठीक है अगर आपके इट डिपेंड्स ऑन अपॉन योर कंडीशन सो नेक्स्ट वन इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दिस इज दीज आर द स्टेटमेंट विच वी डिस्कस टूडे इन दिस वीडियो ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्रोग्राम्स कंट्रोल फ्लो इज अ ऑर्डर इन विच प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट मतलब जो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है जो भी आपकी कंडीशन होगी कंडीशनल स्टेटमेंट होगी उसके ऊपर डिपेंड होगा या लूप होगा या फंक्शन कॉल होगी तो दीज आर ऑल द कंट्रोल स्टेटमेंट तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट सिक्वेंशियल सिलेक्शन एंड आइट्रेशन सीक्वेंस हमने पहले भी डिस्कस किया है तो जब हम सिंपल प्रोग्राम बना रहे थे अब तक हमने लाइन बाय लाइन
कुछ भी लिखा और वो फिर एग्जीक्यूट हुआ तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, आप सीक्वेंस में कुछ भी प्रिंट करवा रहे हो एक सीधी लाइन में, मतलब इसमें कोई आपको ब्लॉक नहीं है, एक लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कि आपने टू नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया तो पहले आपने टू नंबर्स को इनपुट किया, फिर उसको सम किया, फिर उसको प्रिंट करवाया, तो दिस इज अ सीक्वेंस। ऐसे ही आपने सिंपल एंड ट्रस्ट का प्रोग्राम करवाया, आपने पहले प्रिंसिपल एंटर किया, रेट एंटर की, टाइम एंटर किया, इनपुट करवाया, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला लगाया और फिर एग्जीक्यूट उसको प्रिंट करवाया, तो दीज आर दी स्टेटमेंट वन बाय वन जो आपकी स्टेटमेंट क्या हुई है एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, तो दिस इज अ सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होती है, वो डिपेंड करती है आपकी एग्जीक्यूशन पे, ठीक है, आपकी कंडीशन पे। सर जब आपकी कंडीशन जो अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो एक ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो उस केस में कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो ये होती है आपकी कंडीशन, तो ये होती है आपकी सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब इसमें सारी, यानी कि या तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी या ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे कुछ सिंपल इफ ऐसी होगी कि आपका कुछ भी, मतलब सिर्फ आप ट्रू के लिए आप करोगे, फॉल्स के लिए आप नहीं करोगे, तो वी विल डिस्कस इट लेटर। नेक्स्ट वन इज आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या होता है, जैसे कि सपोज आपको 10 चपातीज बनानी है या 20 चपातीज बनानी है, सपोज आपको 20 चपातीज बनानी है तो आप काउंट करते रहते हो 1, 2, 3, 4, ठीक है, जब आप कुछ काम रिपीट कर रहे हो, आप एक चपाती बना रहे हो, फिर आपने दोबारा से बनाई, फिर आपने एक और बनाई, फिर एक और बनाई, अप टू 20, जब तक आप बनाते जाते हो तब तक आपकी कंडीशन क्या होती है, ट्रू आपकी कंडीशन को एग्जीक्यूट करता रहता है, स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी एग्जीक्यूशन को क्या करता है, स्टेटमेंट को वो क्या करता है, आपकी एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट होती रहती है आपकी स्टेटमेंट, सो इट डिपेंड्स अपॉन योर आइट्रेशन कि आपको कितना आगे तक जाना है। सपोज आपको 1 to 100 प्रिंट करवाना है तो 1 to 100 में आपको वन बाय वन आप काउंटिंग कर रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, तो आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, जब तक आपको 100 नहीं मिल जाता तब तक ही आपकी कंडीशन वो जो होती है, कंडीशन जब तक ट्रू रहती है आपका एग्जीक्यूट होता जाएगा, लेकिन जैसे ही आपको 100 क्रॉस कर गया तो आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, आपकी रेपिटेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थॉरली, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस, जैसे मैंने बताया आपको ये कंडीशन अगर ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता रहेगा, वापस आपकी कंडीशन को चेक करने आता रहेगा, और फॉल्स होगी तो वो एग्जिट कर देगा फ्रॉम द लूप, वो लूप से बाहर आ जाएगा, तो वी विल डिस्कस इट लेटर, राइट। सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑन दिस व्हेन थॉरली, ठीक है, विद द एग्जांपल्स, राइट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होती है, यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब जो आपकी कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका फ्लो कैसे चलेगा, तो अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आपका ट्रू ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो भी होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर ये आती हैं, तो इफ मैंने अगर कुछ कंडीशन लिखी है तो कॉलन इज मस्ट, ठीक है, आप इफ कंडीशन का जो सिंटेक्स होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो उसके लिए आपको कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया था कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर, तो इसका मतलब यहाँ पर या तो इफ स्टेटमेंट आएगी या कोई लूपिंग स्टेटमेंट आएगी या कोई डेफिनेशन फंक्शन अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो आएगा। ठीक है, तो उसमें देयर आर सम टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर, इफ इफ एल्स इफ एंड इफ एल्स और नेस्टेड इफ। ठीक है, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस इट थॉरली, ओके। तो माय फर्स्ट कंडीशन इज इफ स्टेटमेंट। An if statement is a programming conditional statement. That is, if proved, मतलब अगर true prove हो जाती है तो वो जो उसके अंदर का block होगा, if का block होगा, वो execute होगा. और otherwise it is false, तो it display nothing. तो क्योंकि false का case इसमें हम discuss ही नहीं करते हैं. आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. क्योंकि if ये सिर्फ true के लिए काम करती है, ये false के लिए काम नहीं करती है. क्योंकि अगर आप false के लिए लिखोगे तो आप loop के बाहर लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो exit from the loop, loop से बाहर आ गए. ठीक है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है इस केस में आपका ट्रू वाला केस भी रहेगा, और अगर आप कुछ बाहर लिखते हो तो वो भी आपका प्रिंट हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं एंड ऑफ द लूप। ठीक है, तो एंड ऑफ द स्टेटमेंट, तो सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन एक्सप्रेशन कॉलन, मतलब कॉलन इज मस्ट, इसका मतलब है कि इसके अंदर जाके आपको यहाँ पर आपको कुछ स्पेस देनी होगी, देन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट जितनी भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं इन केस ऑफ ट्रू, अगर आपकी कंडीशन क्या होती है ट्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक इनपुट करवाया लैंग्वेज नेम और अगर वो मैच कर जाती है पाइथन से,
इज इक्वल टू पाइथन है, ठीक है, सेम लेटर्स के साथ, पी कैपिटल वाई एन, ठीक है, सेम लेटर्स के, अगर वो एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, इक्वल हो जाता है, तो ये प्रोग्राम कर प्रिंट करेगा दिस इज योर सिलेबस इजी टू लर्न, ठीक है, ये तो प्रिंट करेगा करेगा, और ये भी साथ में प्रिंट कर देगा आउटसाइड ऑफ द स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू होती है। और अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है यहाँ पर, तो वो सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ पर। देखो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर मैंने ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, जो ट्रू का केस है, मैंने वो इफ के अंदर लगाया हुआ है, और जो ये वाला प्रिंट है वो इफ के बाहर है, क्योंकि अगर ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो इस ब्लॉक में आएगा ही नहीं आएगा। अगर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, या तो मैं कुछ का प्रिंट करवाऊँ, अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करवाना है तो मैं हमेशा इफ के पैरेलल चलूंगी, मीन्स का मतलब होता है कि वो लूप के बाहर है। अगर लूप के अंदर देखे तो आपको थोड़ा सा स्पेस इसमें डालना पड़ेगा और आप पैरेलल एक ही इंडेंट में आप उसको प्रिंट करवाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नोट भी लिखा है, टू इंडिकेट ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन यू मस्ट इंडेंट ईच लाइन ऑफ द ब्लॉक बाय द सेम अमाउंट, द सेम अमाउंट आपकी एक सीक्वेंस होनी चाहिए, एक इंडेंट होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो अदरवाइज अगर आप आगे पीछे कर दोगे, सपोज मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट पहले वाली तो ठीक करवा दी, दूसरी वाली मैंने बाहर निकाल देंगी तो फिर ये लूप से बाहर हो जाएगी, ठीक है, लूप से बाहर हो जाएगी तो आपका ये प्रिंट नहीं होगा, इजी टू लर्न वो बाहर प्रिंट होगा, तो उसका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बड़ा ध्यान रखना है। तो कुछ एग्जाम्पल है, इफ ए प्रिंट कंडीशन ट्रू, इफ माइनस फाइव प्रिंट कंडीशन ट्रू, इफ ट्रू कंडीशन ट्रू, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मैंने कोई भी नॉन जीरो वैल्यू अगर मैंने ली है, ठीक है, अगर मैं कोई नॉन जीरो वैल्यू लेती हूँ और यहाँ पे ट्रू लेती हूँ, ट्रू का मतलब क्या होता है कि ट्रू है, मतलब ट्रू क्या रिप्रेजेंट करता है, वन को, फॉल्स क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो को। तो ट्रू है या आपका कोई नॉन जीरो नंबर है, मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो नंबर है, तो वो आपकी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अदरवाइज आप जीरो और फॉल्स करोगे तो वो आपका कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने लिखा इफ ए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एंटर करते तो इतने स्पेस लेता, तो आपको जरूरी नहीं है, आपको भी इसको यहाँ पर से प्रिंट करना है, मतलब आपको इसको स्पेस देनी है, ठीक है, एंटर करने पे वो अपने आप इंडेंट ले लेता है, तो लेकिन आप इसको लेके आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इफ से थोड़ा सा अंदर को लेके आएंगे तो यहाँ पर आप प्रिंट करवा सकते हो कंडीशन ट्रू। तो ये हमेशा मुझे क्या दिखाएगा, कंडीशन ट्रू ही शो करेगा, राइट। तो आप इसको एग्जीक्यूट करो तो ये एग्जीक्यूट होगा कंडीशन ट्रू। और अगर मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू भी लिख देती हूँ तो तब भी ये कंडीशन को ट्रू बताएगा, ठीक है, तो ये बताएगा कंडीशन ट्रू। और अब मैं आपको यहाँ पर ट्रू लिख देती हूँ, ट्रू का टी कैपिटल होगा, ठीक है, और मैं रन करती हूँ प्रोग्राम को, तो अब ये क्या दिखाएगा आपको, कंडीशन ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीरो कर दूँ, यहाँ पर मैं जीरो लिख देती हूँ और फिर रन करती हूँ, तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाएगा, क्योंकि सिंगल इफ तो ट्रू का केस ही दिखाएगी, फॉल्स का केस तो कभी भी नहीं दिखाएगी। अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया एट लेस देन फोर, तो ये कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगी, फिर भी अभी कुछ भी नहीं शो करेगा। और अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया, 8 greater than 4, तो ये इट मीन्स कंडीशन ट्रू है, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, कंडीशन ट्रू, ठीक है। पहले आपको कुछ नहीं दिखाया, अब कंडीशन ट्रू दिखाया, क्योंकि मैंने उसका रूप कंडीशन क्या कर दी, 8 greater than 4 कर दी, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो वो फॉल्स पे तो कुछ है ही नहीं है, हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया। अगर मैं यहाँ कुछ प्रिंट कराती हूँ इसके पैरेलल, तो वो कंडीशन ट्रू के केस में प्रिंट तो होगा ही होगा, और फॉल्स के केस में तो प्रिंट होना ही है उसको, क्योंकि फॉल्स है बाहर आ गया लुक की, तो कुछ भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन ट्रू का केस है, अगर ट्रू भी होता है तो बाहर मैं कुछ करवाती भी हूँ प्रिंट, तो वो कहेगा कि ये मतलब दोनों ही कंडीशन, दोनों ही आपकी हो गई। लेकिन ये वो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसके पैरेलल चलती हूँ, इसके पैरेलल भी कुछ भी प्रिंट करवाती हूँ, तो इट मीन्स कि ये आउटसाइड द लूप है, कीप रिमेंबर दिस, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो इन दिस वे वी यूज द इफ कंडीशन, राइट। नेक्स्ट वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, इसमें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ में क्या होता है कि आपका जो लूप होता है वो मतलब कंडीशन होती है वो सिर्फ ट्रू के लिए वर्क करती है, वो आपकी फॉल्स के लिए वर्क नहीं करती। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, मतलब वो क्या करता है कि इफ स्टेटमेंट तब वर्क करती है अगर आपका टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, ठीक है, नॉन जीरो है, तो वो वर्क करेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। एंड सम अदर कोड इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स, अगर मतलब मेरा टेक्स्ट एक्सप्रेशन ही फॉल्स हो गया तो वो हमेशा किस पे जाएगा, एल्स केस पे जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसका वर्क कैसे होता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो जितनी भी स्टेटमेंट है वो वर्क करेगी, ठीक है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो बॉडी ऑफ एल्स पे वर्क करेगा, बॉडी ऑफ एल्स का जो भी वर्क होगा वो करेगा, ठीक है।
इस तरह से आपकी क्या रहेगी, कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होती रहेगी, मतलब जो भी आपकी कंडीशन है, तो जो भी कंडीशन अगर वो ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट होगा, वो ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट होगा ट्रू वाला, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो जो फॉल्स में कंडीशन आपने कुछ लगाई होंगी तो वो एग्जीक्यूट होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई हमें दो डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो हमें हमारे पास दो डिसीजन है ना, तो अगर मैंने कोई डिसीजन लेना है कि अब स्कूल खुलने हैं या नहीं खुलने हैं, तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन लेना है येस और नो, अगर ट्रू है तो आपका क्या एजेंडा रहेगा है ना, तो आप सारा कुछ बताओगे, अगर फॉल्स है तो आप कुछ भी नहीं बताओगे। तो हम रियल लाइफ से इसको कंपेयर कर सकते हैं इफ कंडीशन, ठीक है। अगर मेरे नंबर आ जाते हैं 33 से ग्रेटर देन, तो मैं पास हो जाऊंगी, अदरवाइज मैं फेल हो जाऊंगी, ठीक है। तो इट मीन्स यू हैव टू टेक सम रियल लाइफ एग्जाम्पल, लाइक अगर आपका एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, ठीक है, अगर आपका एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, देन यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज यू नॉट, ठीक है, ठीक है, और अदरवाइज यू आर नॉट वैलिड। सो ऐसे ही अगर आपको, आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आप जा रहे हो, तो अगर रेड लाइट आ गई तो आपको डिसीजन लेना है कि यू हैव टू स्टॉप, ठीक है, नहीं तो आपको क्या पड़ेगा, फाइन पड़ेगा, तो आप स्टॉप करोगे, और अगर आपको ग्रीन सिग्नल आया तो आप क्या करोगे, आप गो या रेडी और वट एवर, ठीक है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि येस और नो, इन दिस केस सेम इज ट्रू और फॉल्स, तो आपको डिसीजन लेना है येस और नो इमीडिएटली, दो डिसीजन है, आप या तो यस करो या तो नो करो, ठीक है। तो इस केस में आपका, अगर आपकी इफ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ट्रू फॉर केस इनपुट होगा, एग्जीक्यूट होगा, और अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि अगर आपकी एज वोटिंग के लिए है तो आप इनपुट करोगे एज, इफ योर एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, यू कैन वोट, क्या वोट कर सकते हो, या फिर आप वोट कर सकते हो, एल्स क्या हो गया आपका, एल्स क्या हुआ, देखो मैंने एल्स के पैरेलल लगाया है, यहाँ पर भी कॉलन आएगा और एल्स भी बिना कॉलन के नहीं रहेगा, एल्स के साथ भी क्या आएगा, कॉलन आएगा, क्योंकि एल्स का भी एक पार्ट है जो एग्जीक्यूट होना है। यहाँ पर आप और भी स्टेटमेंट्स को ऐड कर सकते हो, यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, एक सिंगल स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आप एक के बजाय मोर देन वन आप इसको यूज कर सकते हो। तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर मेरी एज 18 से कम है तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा, यू कैन नॉट वोट, ठीक है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर एग्जाम्पल, आपकी आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको प्रोग्राम के थ्रू। लेट्स स्टार्ट। सपोज आपको पता करना है टू फाइंड आउट, हैश साइन में डालते हैं, टू चेक वेदर द नंबर इज, वेदर द नंबर इज गिवन और odd, या तो even होगा या odd होगा, तो दो डिसीजन आ गए ना, या तो yes होगा या तो no होगा, या तो even होगा या तो odd होगा। इसके लिए प्रोग्राम हम इनपुट करवा लेते हैं, n int of input enter any number, right, enter any number, आप कोई भी इनपुट करो। आप इस कंडीशन लगाते हो कि if आप ब्रैकेट लगा भी सकते हो, और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो आप ब्रैकेट के बिना भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो हार्म। एंड अगर मेरा एन, जो भी मेरा कोई नंबर है, अगर उसका रिमाइंडर जीरो आता है, ठीक है, मैं मॉडुलस साइन यूज कर रही हूँ टू के साथ, अगर वो टू से डिवाइड होकर उसका रिमाइंडर जो है, कि मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर को, वो जीरो आता है, तो इट मीन्स मेरा क्या नंबर है आपका, क्या है वो आपका प्रिंट क्या कराए, इवन नंबर है, ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, इवन नंबर, नंबर इज इवन, राइट। एल्स पार्ट हो गया, अब मुझे अगर नंबर ऐसे डाल दिए मैंने और वो नहीं कर पा रहा तो एल्स पार्ट पे आ जाएगा कि नंबर इज ऑड, ठीक है, पर इसके पैरेलल चलेगा। देखो लुक एट द इंडेंटेशन, कि आप इसके पैरेलल नहीं लिख सकते इफ को, क्योंकि ये लिखोगे तो वो बाहर आ जाएगा, एल्स को के आगे नहीं लिख सकते, उसके अंदर ब्लॉक के अंदर जाना पड़ेगा। और आप एक से ज्यादा इफ मतलब कंडीशंस भी लगा सकते हो, और एक से ज़्यादा आप ब्लॉक भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया, तो इसको मैं रन कर लेती हूँ। यहाँ आ गया एंटर नंबर, एंटर एनी नंबर, आप कोई भी नंबर डाल दो 35 से, तो मेरा ये क्या आएगा, नंबर इज ऑड आएगा, ठीक है। आप दोबारा इस प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, तो आपको बड़ा अच्छा होगा कि मतलब कि मॉडुलस साइन का बड़ा यूज़ आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि टू से मॉडुलस, यानी कि अगर कोई भी नंबर हमें डालती हूँ, अगर उसका या तो जीरो होगा या वन होगा, ठीक है, अगर जीरो होगा तो इट मीन्स वो इवन नंबर है, अगर वन होगा तो इट मीन्स वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों कंडीशनों के अकॉर्डिंग आपको इसको एग्जांपल को शो कर दिया है।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे. जस्ट अ मिनट. ओके, सो नेक्स्ट वन इज इफ एलिफ स्टेटमेंट. ठीक है, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट वन स्टेटमेंट आउट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट. अब आपके डिसीजन यस और नो से ज्यादा होंगे. ठीक है, पहले तो आप दो डिसीजन लेते थे, या तो यस या तो नो. लेकिन अगर आपको, आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं कि यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ, जैसे आपको कोई टूर बनाना है तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, आपको सिंगापुर का पैकेज लेना है, आपको थाईलैंड का पैकेज लेना है, या आपको इंडिया में ही कहीं घूमना है, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है. जब आपके पास बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, तब हम उसके बेस में क्या यूज करते हैं, इफ एलिफ स्टेटमेंट इज टू बी यूज. ठीक है, व्हेन यू हैव द मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है. ठीक है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि जैसे आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ठीक है, वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है, कैसे है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, इफ एलिफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे. तो व्हाट इज द सिंटैक्स, इफ जो भी कंडीशन एक्सप्रेशन है वो सेम ही रहेगा जैसे इफ में था या इफ एल्स में था. आप उसके बाद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करोगे, एक से ज्यादा भी कर सकते हो. फिर एलिफ नया एक्सप्रेशन आ गया तो स्टेटमेंट्स लिख दी, एक से ज्यादा भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो. फिर एलिफ आ गया कंडीशन स्टेटमेंट, फिर एलिफ 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 एंड सो ऑन. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू आप कितने एलिफ लगाते हो. और फिर उसके बाद आपका क्या आ गया, एल्स पार्ट. मतलब अगर ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स पार्ट तो मे बी एग्जीक्यूट हो, तो वो भी नहीं होगा तो वो, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी. ठीक है, तो उसके बेस पे आपका क्या होगा, प्रोग्राम वर्क करेगा. कंडीशन आर चेक्ड वन बाय वन, अगर कंडीशन फॉल्स है तो मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन, वो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर. अगर ये यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑटोमेटिकली यहाँ एलिफ पे आ जाएगा, यहाँ नहीं चली तो यहाँ आ जाएगा, और सो ऑन कितनी भी कंडीशन है उनके ऊपर वो क्या करेगा, मूव करेगा. ठीक है, तो अगर आर कंडीशन है फॉल्स तो एल का जो भी ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. राइट, तो इसका सिंटेक्स देख लो. जैसे कि मैंने टेस्ट एक्सप्रेशन दिया, इफ ट्रू तो स्टेटमेंट वन आए, तो अगर फॉल्स है तो टेस्ट एक्सप्रेशन टू करेगा, और इसका ट्रू है तो वो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट करे, और फॉल्स है तो वो, तो टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद कुछ नहीं है, आप डिवाइड से दोबारा से शुरू हो जाओगे. और अगर ट्रू है तो वो क्या क्या इस करेगा, स्टेटमेंट थ्री में करेगा. ठीक है, तो ये जो आपके हैं ये फॉल्स के केस है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो दीज आर द केस ऑफ फॉल्स, कलर चेंज कर लेते हैं. तो ये किस लिए, आपका ट्रू कंडीशन के लिए, यहाँ पर ट्रू आएगा. ठीक है, ये इसके लिए है फॉल्स. अगर हमें फॉल्स कंडीशन चाहिए तो हमारी ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट नहीं करानी हम चाहते, तो ये ट्रू का केस है. और अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो इस कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं, अगर ये भी फॉल्स होती है तो उसका क्या अल्टरनेटिव प्रिंट करवाने का रहता है. ठीक है, उसका क्या अल्टरनेटिव होगा कि मैं खाली अब ना जाऊँ कहीं पर घर पर से, जैसे कि आपने उसे कोई भी सामान खरीदा, मार्केट गया हुआ. ठीक है, मल्टीपल आपके पास आइटम्स हैं. ठीक है, आपने एक खरीद ली, दो खरीद ली, अब आप सोचते हो कि ये खरीदूँ या नहीं खरीदूँ. अगर खरीद ली तो ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब आप रख लोगे. अगर नहीं खरीदी तो आप फिर आगे चलोगे. ठीक है, इस तरह से आपकी इफेलिफ की जो स्टेटमेंट है चलती रही. फॉर एग्जाम्पल, आपने इनपुट किए मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स किए, मुझे पता करने हैं कि इसमें ग्रेड कैसे है, मतलब क्या क्या ग्रेड है उनके बच्चों के, किस तरह की क्या स्लैब रेट है. ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है तो वो आपको क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड ए प्रिंट करेगा. अदरवाइज आपका एलिफ 80 है तो आपको क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड बी. फिर एलिफ है तो 70 तो ग्रेड सी, एलिफ है तो 60 ग्रेड डी, एल्स पार्ट पे आ जाएगा ग्रेड ई. मतलब अगर यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ पर भी फॉल्स होगी, यहाँ पर भी फॉल्स होगी, यहाँ पर भी फॉल्स होगी, तो ये जो एग्जीक्यूट होगी एल्स पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा. अगर इफ नहीं हुआ, कंडीशन फॉल्स होगी, ये भी सारी फॉल्स होगी कंडीशन, तो आपका ये वाला एग्जीक्यूट होना ही होना है. ठीक है, यहाँ पर आप मार्क्स इनपुट कर रहे हो फ्लोट में, यानी कि आप डेसिमल पॉइंट में भी कर सकते हो. मैंने सपोज कर दिया 95.55. ठीक है, तो ये अब अबव है, इससे 90 से अबव है ना, तो ये क्या करेगा, ग्रेड ए को प्रिंट करेगा. ठीक है, क्लियर है बात, यस क्लियर. अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं. आइडियली में चलते हैं, कोई और एग्जांपल के थ्रू इसको हम आपको शो करते हैं. ठीक है,
सपोज आपको पता करना है, जैसे किसी ने आपको पता करना है कि नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तो एक सिंपल इफ एलिफ ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने इनपुट किया एक नंबर, ठीक है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, एंटर एनी नंबर आपने मैसेज प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर कंडीशन लगाते हो कि n ग्रेटर देन जीरो है, तो इट मीन्स वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, राइट। और ठीक है, अब एलिफ रहेगा तो इसके पैर लग जाएगा यहाँ पर एलिफ, ठीक है। आप यहाँ पर करते हो एन लेस देन जीरो है तो नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट इसके ही पैरेलल चलेगा, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट नंबर इज नेगेटिव, राइट, नेगेटिव के लिए हो गया केस आपका, ठीक है। और अगर मेरे को और कंडीशन करानी है कि एलिफ कुछ और कराना है, नहीं तो एल्स में क्या करवा सकती हूँ कि प्रिंट जीरो, मतलब वो नहीं तो जीरो ही होगा ना, अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुआ तो जीरो होगा। तो सिंपली आप प्रिंट करवा सकते हो कि जो भी नंबर एंटर्ड नंबर इज जीरो, आप इसके पैरेलल चलोगे बिल्कुल, प्रिंट नंबर इज जीरो, तो आपने जीरो इंट करवाया है, अदरवाइज तो वो एग्जीक्यूट हो जाए। लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टेट प्रोग्राम, ओके और रन दिस प्रोग्राम। तो आपको बड़ा ध्यान से करना है प्रोग्राम, ठीक है। अगर मैंने 23 करा तो वो नंबर इज पॉजिटिव, अगेन रन द प्रोग्राम, अगर इस बार मैंने माइनस में नंबर ले लिया तो वो देगा नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। और अगर मैंने इसमें जीरो ले लिया तो वो मेरी क्या कंडीशन करेगा, जीरो, नंबर इज जीरो। तो इन दिस वे आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं इफ एलिफ। अब तो मैंने एक इफ एलिफ लगाया है तो आप एक से ज़्यादा भी क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट तो इसको करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक अलग से सेशन कर लेंगे, ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में आई विल शो यू सम एग्जांपल, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी शो कर दूंगी और कुछ प्रोग्राम करके दिखाऊंगी, तो जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के प्रोग्राम आपको इसको आने ही चाहिए, ठीक है, राइट। आप कोई क्विज बना सकते हो कि जैसे आपने इनपुट कर दिया एंटरप्रेन्योर क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन भी डाल दिया कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप कंडीशन लगा दो इफ कैपिटल, इफ इंडिया कैपिटल इक्वल्स टू इंडिया, आपने कैपिटल वेरिएबल लिया तो कैपिटल ले लो, इंडिया है तो वो कहे कि यू आर इन इंडिया, अल्स नो यू आर नॉट इन इंडिया। तो आप रियल लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू से भी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपकी नेस्टेड इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेस्टेड इफ एंड इफ स्टेटमेंट इट हैज अनदर इफ इन इट्स बॉडी और इन एल्स बॉडी, यानी कि आपका नेस्टेड इफ का क्या काम होता है कि इफ विद इन इफ, मतलब आप इफ के अंदर एक पहले आपने प्रूव कराई थ्रू के लिए केस डाला था कि सिंपल आपने एग्जीक्यूट कर दी थी स्टेटमेंट ऑफ लॉ। अब क्या है कि आप इफ लगा रहे हो फिर उसके अंदर एक और इफ है कि अगर वो ट्रू होगी तो अंदर तभी जाएगा ना, वो इफ फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो वो अंदर तभी जाएगा, अदरवाइज वो कहाँ चला जाएगा, एल्स पार्ट पे चला जाएगा। तो वहाँ भी आप क्या लगा सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं पहले। इफ कंडीशन एक्सप्रेशन, अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर अंदर वाली इफ के साथ आ जाता है और वो एग्जीक्यूट करती है, और इसका एल्स ये है, ठीक है। उस अगर ये भी कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके एल्स पार्ट को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन यहीं पर ही फॉल्स होगी तो वो कहाँ आ जाएगा, एलिफ पे, एलिफ कंडीशन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, ठीक है। और अदरवाइज ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स पे जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ विच इज इनसाइड इट विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर मैंने तीन नंबर में से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्या हम डायरेक्ट इसको रन करके दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पर बना के फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो मैंने ये ए बी सी तीन नंबर ले लिए, ए इन तीन नंबर को क्या मैंने करना है, इन थ्री नंबर्स को मैंने इनपुट करना है, ठीक है। एंटर माई एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो अपना टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर बी कर दो और यहाँ पर आपको क्या करना है, सी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर भी डाल सकते हो, सेकंड नंबर, और आप यहाँ पर थर्ड नंबर भी डालोगे, थर्ड नंबर,
ठीक है, अब आप इसको एग्जीक्यूट करो. इफ अब इफ कंडीशन आ गई कि ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, नेस्टेड इफ का काम चलता रहेगा. ये क्या प्रोग्राम है कि अगर आपको यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ टू नंबर थ्री नंबर्स, ठीक है ठीक है. तो यहाँ पर आपने एंटर किया. अब यहाँ पर एक और कंडीशन आप लगा सकते हैं, इफ ए ग्रेटर देन सी भी है, मतलब मुझे ए ग्रेटर देन बी अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे नेक्स्ट केस क्या कराना है पड़ेगा, सी के साथ भी कंपैरिजन कराना है. पहले तो मैंने क्या करा, कंपैरिजन कराया ए ग्रेटर देन बी, यस ग्रेटर है, लेकिन अगर ए ग्रेटर देन और ये ए ग्रेटर देन सी भी है, और अगर ग्रेटर देन सी है तो वो क्या प्रिंट करे, थोड़ा सा आप स्पेस दे दीजिए, प्रिंट ए कर दे कि ए इज ग्रेटर, ठीक है. मैं यहाँ पर मैसेज में डाल रही हूँ, ठीक है, वेरिएबल वैल्यू में डाल रही हूँ, ठीक है. और अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, इसका एल्स लगा दो, एल्स तो मेरा क्या प्रिंट होगा, सी इज ग्रेटर, ठीक है. ठीक है, अब ये कंडीशन इसके अंदर हो गई, ठीक है, ये इसका पार्ट हो गया, ये इसका ट्रू का ट्रू पार्ट हो गया, और ये इसका ट्रू है और ये इसका फॉल्स ये है. अब इसका अगर नहीं एग्जीक्यूट होगा तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एल्स या एल इफ भी लगा सकते हैं, एल्स. और जैसे कि मैंने आपको सिंटेक्स में बताया कि हम एल्स भी लगा सकते हैं और एल इफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर ए ग्रेटर देन बी है, फॉल्स हो जाती है मेरी कंडीशन, तो यहाँ एल्स में आएगा तो मैं बी का कंपेरिजन सी से भी तो करवाऊंगी कि बी ग्रेटर देन सी है, अगर है तो वो क्या प्रिंट कर दे, बी इज ग्रेटर, राइट. और वो क्या करे, एल्स क्या करे, आपका इसके साथ कंडीशन है वही, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक ही सेटिस्फाई होगा ना, तो आप प्रिंट करवा दो सी इज ग्रेटर. ठीक है, तो हम इसको रन करेंगे मॉड्यूल को, सॉरी डबल ब्रैकेट्स आने की, आप इसको रन करो मॉड्यूल को. बेटा ये देखो आपकी एरर आ रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है. इसके पैरलर आपको चेक करना है कि ये पैरलर है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो अब इसको रन करते हैं, आप रन हो गए तो उसके पैरलर एक इतना सा भी देखो, इतना सा भी स्पेस का फर्क पड़ गया तो क्या आ रहा है, एरर आ रही है, ठीक है. वन अदरवाइज प्रोग्राम करेक्ट है, तो सी इज ग्रेटर आ गया, ठीक है. आप कोई भी दोबारा से रन कर सकते हो उसको, जितनी मर्जी बार रन करना चाहो. यहाँ पर मैंने 10, 20 और 30 दे दिया, ठीक है, तो सी इज ग्रेटर अगेन. और यहाँ पर दोबारा से रन करते हैं, प्रोग्राम में जाके दोबारा रन करेंगे. इस बार मैंने दे दिया आपको 20, ठीक है, और मैंने दिया 4 और मैंने दिया 3. अब ये ए इज ग्रेटर आ गया, अब ए फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर, ठीक है. तो इन दिस वे आप नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो आगे चलते हैं, हम इसके ऊपर पूरा एक वो कर लेंगे, ठीक है. तो ये एग्जांपल मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है. अब ये असाइनमेंट्स है, ये असाइनमेंट आपको जरूर करनी है. आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी आपके डाउट्स है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रोग्राम में, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख सकती हैं. कुछ प्रोग्राम तो मैंने आपको एग्जीक्यूट करवा दिए हैं. आपका ट्राई द प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर एंटर नंबर इज लीप ईयर और नॉट. तो लीप ईयर के लिए आप मॉडुलस का साइन का यूज करोगे कि अगर वो डिविजिबल हो जाता है 4 से, ठीक है, तो इट मीन्स वो लीप ईयर है, ठीक है. राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ थ्री नंबर्स, ठीक है, जो मैंने अभी प्रोग्राम आपको बताया उसका रिवर्स है ये, ठीक है. और ये नंबर इवन ऑड का मैंने आपको बता चुकी हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो का भी आपको खुद से करना है, ठीक है. और उसके बाद ये एक प्रोग्राम है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये आ जाता है कि आपको रियल लाइफ, दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल एक्चुअली, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को आपको कैसे एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है, उसका कैसे बिल आता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है. तो इस तरह के स्लैब रेट से उसका क्या होता है, आपका कैलकुलेशन होता है. तो ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल मैंने लिया है, तो आपको इसको भी जरूर करना है, ठीक है. तो आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट लेट मी क्लियर द स्क्रीन.
तो इसका आप असाइनमेंट आपको जरूर करना है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही हम आपको हमें मोटिवेशन मिलेगा और फिर हम आपके लिए और नए नए प्रोग्राम लाएंगे। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इफ स्टेटमेंट, ठीक है। थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम आपको 5 या 6 डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम करवाएंगे और उसका फिर एक असाइनमेंट देंगे, तो फिर आप उसको करके देखना कि आपको कितना आ रहा है समझ, ठीक है। टिल देन स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू यू गेट द नेक्स्ट अपडेट, ओके। नेक्स्ट वीडियो का मेरा जो अपडेट आपको मिल जाएगा जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेल योर स्टूडेंट्स, टेल योर फ्रेंड्स आल्सो टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।